बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है, खैरियत है? अल्लाह करे सब अपने अपने घरों में खुश और आबाद और खैरियत से रहें। तो आज हम आए हैं मनीसो पे, मनीसो जो कि एक जापनीज़ ब्रांड है। तो बहुत दिन हो गए कि मैंने बहुत सुना हुआ था कि यहाँ मेकअप बहुत अच्छा होता है और हाउस होल्ड चीज़ें भी होती हैं माशाल्लाह बहुत सारी। तो मैंने कहा हम जाते हैं, हम भी देखते हैं जाके ज़रा। तो मैं भी लेके आती हूँ कुछ मेकअप का सामान और फिर मैं इस्तेमाल करूँगी, फिर आपको बताऊँगी। तो हम लोग गए फिर, और यहाँ से मैंने कुछ फेस मास्क वगैरह लिए, कुछ हैंड क्रीम थी वो ली, और नेल पॉलिश और नेल क्रीम थी, ख़ासकर हाईलाइटर थे कुछ वो। जैसे जैसे अभी मैं लूँगी आपको मैं बताती जाऊँगी। तो उनकी भी जो है वो प्रोडक्ट जो है वो बहुत अच्छी होती हैं, और मैंने भी सुना हुआ था लेकिन मैंने कहा चलो मैं अब इस्तेमाल करती हूँ जी। तो अब मैं ये मिस्ट की तरफ आई हूँ, और यहाँ पे ये क्रीम मिस्ट है जो फेस के ऊपर लगाने के लिए है ये। तो इसको भी ट्राई करते हैं, मैं करूँगी जाके। ये तो सैनिटाइज़र वगैरह लगे हुए, पॉकेट सैनिटाइज़र छोटे होते हैं जो आप अपने पर्स में रख लें। मुख्तलिफ़ ये फ़्लेवर के हैं, और इसमें ये बड़ी बॉटल्स के अंदर भी हैं और छोटे भी हैं, पॉकेट में आप अपने पर्स में रख सकते हैं ये। और ये हम आ गए अब पर्स की तरफ। यहाँ पे ये मेकअप बैग्स मेकअप बैग है ये, जिसमें ये मैंने लिया है एक डोनल डक वाला वो डोनाल्ड डक वाला ले लिया है, और ज्यादा ये अच्छा था मिकी दूसरा माउस भी से। मिक्की माउस वाला भी देख रही हूँ मैं। इसमें ये है कि आप अपनी मेकअप की चीज़ें रख सकते हैं, अदर चीज़ें भी और भी आप रख लें कोई भी चीज़, इसके अंदर बड़े अच्छा इस्तेमाल में आ जाते हैं ये। इधर आ गए अब हम फाउंडेशन की तरफ, और ये ऊपर ऊपर हम जो देखें वो फाउंडेशन थे, नीचे ये सारी लिपस्टिक लगी हुई हैं फाउंडेशंस भी इनके बहुत अच्छे हैं, इनके। आप अपने स्किन टोन के हिसाब से ले सकते हैं। तो हमने भी एक लिया, यस बिल्कुल और अब लिपस्टिक्स की तरफ आ गए। लिपस्टिक्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंट शेड्स थे, काफ़ी वैरायटी, मैटी, लिक्विड, बहुत सारी शाइनी थी। भी है उसके अंदर, लिप ग्लोस भी हैं, यानी कि एक पूरा एक आपको जो है ना मेकअप, यहाँ पे हर मेकअप से रिलेटेड जो है हर चीज़ आपको यहाँ मिल और जाएगी। काफ़ी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, और इनके रिव्यूज़ वगैरह भी बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ से दो तीन लिपस्टिक्स हमने उठाई हैं, बल्कि वो ले ली, बहुत अच्छी लगी। ये भी सारी लिपस्टिक्स हैं, लिप ग्लोज हैं डिफरेंट कलर्स के। अब इस्तेमाल करेंगे, मैं यूज़ करूँगी फिर आपको बताऊँगी कि इनका रिज़ल्ट कैसा है, आई एम श्योर और अच्छा ये वाला होगा। सेक्शन है सारा हाइलाइटर्स का, नो ये वाला सेक्शन है सारा लिक्विड लिपस्टिक्स का, ये भी वो हैं। तो यहाँ से ये वाली अच्छी लगी थी, इसका कलर बहुत अच्छा था, रेड कलर का था, तो हमने ये भी ले लिया। और इस सेक्शन में सारे परफ्यूम्स लगे ये हुए हैं, परफ्यूम्स है लगे हुए ये सारे, पिंक पैंथर वाला परफ्यूम मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो यहाँ पे भी काफ़ी वैरायटीज़ है परफ्यूम्स की। और इसके साथ ये दूसरा सेक्शन है, यहाँ पर भी लिपस्टिक्स हैं। सो दो सेक्शन में डिवाइड हुआ हुआ था मेकअप, तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे शेड्स थे, तो यहाँ से भी दो शेड लिए, एक ये ऑरेंज वाला, ये मुझे अच्छा लग रहा था बहुत, मैंने कहा इसको मैं ट्राई करूँगी। एक ये ऑरेंज वाला था और एक पिंक एक कलर का लिया पिंक था। कलर का मैंने उठाया था, तो ये दो मैंने कहा मैं यूज़ करूँगी जाके। मैं देखती हूँ क्योंकि मेकअप का मुझे बहुत खुद बहुत शौक है, जहाँ भी मैं जाऊँ किसी भी में शॉपिंग मॉल में कहीं भी जाऊँ तो मुझे बस जो है कुछ ना कुछ मेकअप का ज़रूर ही लेना होता, कोई लिपस्टिक या कोई और चीज़। हाँ जी, तो ये हमने ली रिवाइवल लिपस्टिक, ये बहुत अच्छी, और एक अच्छी बात रिवाइवल लिपस्टिक की होती है कि बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, और ये स्किन के हिसाब से अपना कलर जो है वो मैनेज करती रहती हैं कि वो लिपस्टिक जो है वो ख़त्म ना हो, वो लगी रहे। तो लॉन्ग लास्टिंग है, तो उस हिसाब से ही बहुत अच्छी मिली, तो एक ये भी ले ली। काफ़ी टाइम तक ये लगी रहती है ये। अब ये लाइनर्स थे, यहाँ ये सारे लाइनर्स लगे हुए हैं, जिसमें ये आप देख रहे हैं ब्लैक में भी है, ज़्यादातर तो ब्लैक में ही लगे हुए हैं, जिसमें डबल भी है और सिंगल भी है, जिसमें जिसको थिक बोलते हैं लाइनर ना, वो वाटरप्रूफ भी हैं और दूसरे भी लगे हुए हैं। तो मुझे चाहिए था वाटरप्रूफ लाइनर, वो मैं ढूंढ रही थी कि क्योंकि यहाँ पे यूएई में तो थोड़ा सा होता है मौसम गर्म, तो जब आप बाहर जाते हैं तो आपको ज़रा वो चाहिए होता है कि लाइनर तो ये दोनों वाटरप्रूफ लाइनर इस्तेमाल करें। वाटरप्रूफ थे, तो हमने दोनों ही ले लिए। दोनों लिए, एक जो था वो थिक था डबल लाइन वाला और एक सिंगल था, यूज़ करेंगे अब। और ये कॉम्प्रेस पाउडर्स हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे कॉम्प्रेस पाउडर लगे थे डिफरेंट स्किन टोन्स के हिसाब से, तो हमने भी अपने स्किन टोन के साथ मैच करके एक ले लिया। तो कॉम्प्रेस पाउडर तो बहुत नेसेसरी एलिमेंट है मेकअप के अंदर, तो ये वो तो तो होता चाहिए ही है, होता है। वो इस्तेमाल होता ही है, मैं लगाती हूँ, बहुत कम लगाती हूँ लेकिन लगा लेती हूँ, अक्सर तो फाउंडेशन लगाती हूँ और
उसके ऊपर तो बहुत कम ही लगाती हो। ये हम आगे हाईलाइटर लगे हुए, हाईलाइटर की रेंज यहाँ बहुत अच्छी थी तो और एक हाईलाइटर हमने भी लिया। और ये सारे आई शेड्स हैं, ये आई शेड लगे हुए वैरायटी के थे, सारे शाइनी और ग्लिटरी थे, जो आजकल तो वैसे हमें शाइनी और ग्लिटरी तो बहुत पसंद है। आई शेड्स हम प्रेफर करते हैं कि क्योंकि नाइट मेकअप जब आप करते हैं तो आपको शाइनी चाहिए होते हैं, वो नाइट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, उसमें वो उसमें चमक जो होती है शाइनी, वो आंखों में लगाएं तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये ब्लैक वाला इसके अंदर बहुत अच्छा लग रहा था तो वो वाला कलर ले लिया। ये सारे लिक्विड फाउंडेशन हैं, ये भी हमने जो ले लिया कि हम इसको भी ट्राई करके देखते हैं। हाँ, जो लोग लिक्विड इस्तेमाल करते हैं उनके लिए तो है बहुत अच्छा ही है। मैं भी देख रही थी कि मेरी स्किन के साथ कौन सा सूट करेगा, तो वो मैंने एक लिया है। ये सारे लिप ग्लोज हैं, सब लिप सेक्शन है, आईलाइशेस और बाकी नीचे नेल से रिलेटेड आइटम्स थी। ये तो सारी वो आपको मेकअप से और नेल्स और है वो सब आपको चीजें मिलेंगी। ये आ गए हैं, ये मेकअप पाउचेस हैं जो छोटे हैं साइज में, लेकिन ये बहुत अच्छे ग्लिटरी से थे, तीन डिफरेंट कलर्स में थे, एक ब्लू में, पिंक में और सिल्वर में। मुझे भी अच्छा लग रहा था, मैंने भी एक लिया है ये पिंक में। पिंक मैं देख में रही थी कि पिंक लूं या वो लूं, लेकिन मैंने पिंक ले लिया। और लें जी, यहाँ आ गई सारी नेल पॉलिशेस। नेल पॉलिशेस भी बहुत अच्छी लगी हुई थी, हर कलर था बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं हर लगाती बहुत कम ही हूँ तो मैंने वो ली नहीं है, क्योंकि थी घर में बहुत अभी रखी हुई है। ये सारे भी मेकअप पाउचेज हैं, आप जिस मर्जी से, ये ट्रैवल बैग्स हैं यहाँ पे सारे, कुछ बीच बैग्स भी हैं इसके अंदर, ये सारे ट्रैवल बैग्स हैं कि आप जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो इसमें आप अपनी चीज़ें रख के ले जाएं। हाँ, इसमें तो मिनी बैग्स के तौर पे ये बहुत अच्छे हैं, छोटे हैं ये, अच्छे इजीली यूज़ हो जाते हैं और हैंडी हैं। थोड़ी सी इसमें आप चीज़ें अपने इस्तेमाल की डाल लें तो बहुत काम की चीज़ है। बहुत अक्सर तो आप इसमें मेकअप का सामान भी रख सकते हैं और भी चीज़ें इसमें डाल सकते हैं, पर हमने एक ले लिया था तो फिर हमने ये लिया। वैसे मैं देख रही थी, मैं आपको भी दिखा रही हूँ कि आप आएँ, ज़रूर चक्कर लगाएं मनीषो पे। और अभी अच्छा और इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड है। ये बड़े बैग्स आ गए, शॉपर बैग्स जिन्हें कहते हैं, बड़ी चीज़ें कैरी करने के लिए होते हैं। यहाँ पर ये भी लगे थे, कुछ कार्टून करेक्टर्स के भी लगे हुए हैं, जैसे मार्वल के हो गए। और ये सब पांडा शेप्स के थे, कुछ मिनीसो के अपने थे। हाँ, ये सब वही सारे एडवेंचरस पाउच लगे हुए ऊपर ये। हाउस होल्ड आइटम्स आ गई, ये कैंडल्स बहुत क्यूट थी, छोटी सी। हमने इसमें से एक ब्लैक कलर की ली थी कैंडल, कैटल, वो हम लेके आए थे दुबई मॉल से। हाँ जी, वो मैंने इस्तेमाल किया, बहुत अच्छा उसका रिजल्ट है, बहुत अच्छी है। वो चाय शाय बना के उसमें रख लेते हैं, तीन चार कम से कम उसमें चार कप तो निकल आते हैं उसमें और से, गर्म रहती है, बहुत गर्म भी रहती है, अच्छी क्वालिटी की, क्वालिटी अच्छी है बहुत। ये भी सारे लंच बॉक्सेस हैं, ये बच्चों के लिए हैं लंच बॉक्सेस, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनके लिए है कि आप उनको लंच डाल के दे दें इसके अंदर। बहुत वैरायटी है हर चीज़ की, बहुत ज़्यादा। और ये है जी ज्वेलरी बॉक्स, जो कि ये क्रिस्टल का है, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद आया। मैंने देखा तो बड़ी खूबसूरत इसकी फिनिशिंग थी, और तीन इसके अंदर इसके जो है वो खाने से बने हुए, उसमें आप आराम से अपनी सिंपल ज्वेलरी रख सकते हैं, बहुत अच्छी। एक मैंने लिया है, तो यहाँ पे हमें याद आया कि मस्कारा हमने लेना था तो जो रह गया, तो हम वापस गए मेकअप सेक्शन पे और हम ये मस्कारा हमने लिया। ये डबल वॉल्यूम मस्कारा है, सो आप अगर अपनी लैशेस पे लगाएंगे तो एक फुल आई लुक आएगी। सही। और ये है लगे हुए जार, जो है टी कॉफ़ी शुगर के,
बड़े खूबसूरत लगे, मैं बहुत प्यारे मैंने वो देख रही थी। तो अब हमने एक अपनी जो चीज़ें थी अपनी ख़रीदारी पूरी कर ली और अब हम करा रहे हैं यहाँ पे बिल। तो बहुत मेकअप का सामान लेके वैसे ही बहुत खुशी होती है। अब हम यह बिल कराएंगे और बिल करा के इंशाल्लाह फिर घर जाते हैं। हम घर आ गए वापस। और अब ये जो चीज़ें मैंने ली हैं वो मैं अब आपको दिखाती हूँ। ये एक मैंने टोकरी ली है, इस पे भी मिकी माउस की वो तस्वीर बनी हुई है, बड़ी अच्छी लग रही थी मुझे। मैं ये मैंने ले ली। अब ये जो चीज़ें मैंने ली हैं, फाउंडेशन है नीचे और हाइलाइटर नीचे रखा है, ये हाईलाइटर वाला मैंने रखा फाउंडेशन है, है, ये वाला फाउंडेशन लिया है मैंने, ये आई और शेडो हो ये आई गया शेडो। वो लिया, और ये है हैंड और नेल क्रीम, तो बहुत नेसेसरी है डेली रूटीन के लिए, आप मॉइस्चराइज करने के लिए स्पेशली विंटर्स में। और ये फेस मास्क है, ये हमने लिए, ये मड फेस मास्क है इम्प्योरिटीज़ रिमूव करने के लिए, और ये वाइट मड फेस मास्क है प्योरीफाई करने के लिए, तो ये भी दो हमने ले लिए। ये रिवाइवल लिपस्टिक की थी जिसके बारे में आपको बताया था, ये पिंक कलर की है क्योंकि मम्मा को पिंक पसंद है तो उन्होंने ये ले ली। और साथ में ये मस्कारा, डबल वॉल्यूम डबल एशेस मस्कारा था, ये भी ले लिया। और इसके बाद ये लिपस्टिक जो आपको वहाँ पर दिखाई थी, इसका मैं आपको खोल के कलर भी दिखा देती हूँ। ये देखें, इसका ये कलर है डार्क रेड कलर की है ये, तो ये भी एक कलर ले लिया। और इसके बाद अब ये दो लाइनर्स हैं, ये टोटली ब्लैक लाइनर है लेकिन ये थिन लाइनर है, वाटरप्रूफ। और जो ये ब्लू वाला है ये थिक और थिन डबल है, इसकी एक साइड थिक है और एक साइड थिन है, तो ये भी ले लिया। और एंड में ये दो मैट पाउडर है, जो सेटिंग पाउडर जिसे बेसिकली कहते हैं, जो आपके मेकअप को सेट करता है और उसको ख़राब नहीं होने देता। तो ये सब चीज़ें थी जो हमने ली और आपसे शेयर की। जी हाँ, ये चीज़ें आपने देखी, ये हमने ली, और आप भी ज़रूर जाएं और चीज़ें लें और इनको इस्तेमाल करें और फिर मुझे बताइएगा। तो मैं अब इजाज़त चाहती हूँ। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।